नमस्कार बातर स्वागत स्टुडियो मा गीताश्री बोकाजानर बालिजान खान बस्ती एक उत्तप्त परिस्थितिर विराजमान खान बस्ती प्रशासने उच्छेद अभियान चलाले और यह उच्छेद अभियानक केन्द्र कर एक उत्तप्त परिस्थितिये विराज करिछे प्रशासन उच्छेद अभियान बाधा दियार चेष्टा करिले एकांश प्रतिबादकारीये प्रतिबादकारी हिलाबर्षण आहत होइछे खटखटी थानार आरक्षी विषया और प्रतिबादकारीक छत्रभंग दियाबोलै आरक्षीये शून्यलै गुली चालना करे कंदुआ गेस प्रयोग करे उत्तेजित परिस्थितिर बाबे घटनास्थल 144 धारा जारी करा हुए से अवैधभवे सजा घर उच्छेद आरक्षी प्रशासन यह मुहूर्त घटनार दृश्य आपको देखाई विशाल सशस्त्र बाहन लो उच्छेद अभियान चलाबले नामी प्रशासन लोक और जिला उपायुक्त आरक्षी अधीक्षक तदारकते स्थल उच्छेद अभियान किंतु यह उच्छेद अभियान समयसते सृष्टि हल किस उत्तप्त परिस्थिति बोकाजानर घटना बोकाजानर बालिजान खान बस्ती प्रशासन उच्छेद अभियानक लो उत्तप्त परिस्थिति प्रशासन उच्छेद अभियान बाधा दियार चेष्टा कर एकांश प्रतिबादकारीये प्रतिबादकारी हिलाबर्षण आहत हुए खटखटी थानाखनर आरक्षी विषया प्रतिबादकारीक छत्रभंग दियाबोले आनकि आरक्षीये शून्य लो गुली चालना करे कंदुआ गेसो प्रयोग करे और उत्तेजित परिस्थितिर बाबे घटनास्थल 144 दिया हुए से 144 धारा जारी करा हुए से अवैधभवे सजा घरबूर उच्छेद चलाइछिल आरक्षी प्रशासने विशाल सशस्त्र बाहन उच्छेद अभियान नामी प्रशासन एकदम स्पष्ट भावे क्या हाईकोर्टर जो अर्डर आमी मानि चलिम किन्तु अपना 144 धारा जीत लागू करी थका हुई সেই লাগু কৰি থকা সত্ত্বেও আপোনালোকে যোনটো 144 ধাৰা যোনটো নিয়ম নীতি সেইটো গোটেইবোৰ আপোনালোকে ভংগ কৰা দেখা গৈছে ইয়াতে হাইকোর্টৰ অৰ্ডাৰ আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমানখিনি অৰ্ডাৰ সেই অৰ্ডাৰবোৰৰ ওপৰত আপোনালোকে ভায়োলেট কৰি আছে গতিকে আপোনালোকৰ এগেইনষ্ট আমি একচন লোৱাৰ কাৰণে এতিয়া বাধ্য হৈ যাব লাগিব গতিকে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰি জনোৱা হল যে আপোনালোকে এই ৰাস্তাটো খালী কৰি দিয়ক আপোনালোকে আমাক সহায় কৰক जगह ना पाए सरकार सहय और सरकार पानी हेरा लगे कर्ट नाम कर्ट नाम कर्ट नाम कानूनी ना প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাতত অসমৰ গৰৰ প্ৰসংগ গৰৰ খৰ্গ জ্বলাই দিয়া কাৰ্য উচ্চ প্ৰশংসা প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ অসমত জ্বলোৱা হৈছে 2400 গৰৰ খৰ্গ গৰ হত্যাৰ বিৰুদ্ধে এয়া এক শক্তিশালী বাৰ্তা বুলি মন কি বাতত মন্তব্য আগবঢ়ালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মুখত কাজিৰঙাৰ সেউজ পৰিৱেশ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ প্ৰসংগও শুনা গ'ল আৰু অসমৰ চাহ বাগিচাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে অসমৰ এৰি মুগা কাপোৰত গৰৰ প্ৰতীক দেখিবলৈ পোৱা যায় বুলি মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ प्यारे देशवासियों जब एकनिष्ठ प्रयास होता है नेक नियत से काम होता है तो उसके परिणाम भी मिलते हैं इसका एक बेहतरीन उदाहरण सामने आया है असम से असम का नाम लेते ही वहां के चाय बागान और बहुत सारे नेशनल पार्क का ख्याल आता है साथ ही एक सिंग वाले गेंडे यानी वन होर्न राइनो की तस्वीर भी हमारे मन में उभरती है आप सभी जानते हैं कि एक सिंग वाला गैंडा हमेशा से असमिया संस्कृति का हिस्सा रहा है भारत रत्न भूपेन हजारिका जी का ये गीत हर एक कान में गूंजता होगा পৃথিবী
কাজিরঙা নয় যে বন্য। साथियों, इस गीत का जो अर्थ है वो बहुत सुसंगत है। इस गीत में कहा गया है, काजीरंगा का हरा भरा परिवेश, हाथी और बाघ का निवास, एक सिंह वाले गैंडे को पृथ्वी देखे, पक्षियों का मधुर कलरव सुने, असम की विश्व प्रसिद्ध हथकरघा पर बुनी गई मुंगा और एरी की पोशाकों में भी गैंडों की आकृति दिखाई देती है। असम की संस्कृति में जिस गैंडे की इतनी बड़ी महिमा है, उसे भी संकटों का सामना करना पड़ता था। वर्ष 2013 में 37 और 2014 में 32 गैंडों को तस्करों ने मार डाला था। इस चुनौती से निपटने के लिए पिछले 7 वर्षों में असम सरकार के विशेष प्रयासों से गैंडों के शिकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। पिछले 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे के मौके पर तस्करों से जब्त किए गए 2400 से ज्यादा सिंगों को जला दिया गया था। यह तस्करों के लिए एक सख्त संदेश था। ऐसे ही प्रयासों का नतीजा है कि अब असम में गैंडों के शिकार में लगातार कमी आ रही है। जहां 2013 में 37 गैंडे मारे गए थे, वहीं 2020 में 2 और 2021 में सिर्फ 1 गैंडे के शिकार का मामला सामने आया है। मैं गैंडों को बचाने के लिए असम के लोगों के संकल्प की सराहना करता हूं। পরবর্তী খবর। রেলত অভিনব কৌশলেৰে গাঞ্জা সরবরাহ কৰিছে সরবরাহকারী। আগরতলাৰ পৰা বিহাৰলৈ যাত্ৰা কৰা দুই ৰেল যাত্ৰীয়ে কঢ়িয়াই নিছিল গাঞ্জাখিনি। বঙাইগাঁও ৰেল ষ্টেচনত ৰেল আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে বুজন পৰিমাণৰ এই গাঞ্জা। ৰঙৰ আনকি ড্ৰামত দৈ নিয়াৰ কৌশলেৰে গাঞ্জা সরবরাহ কৰিছিল এইবাৰ সরবরাহকারীয়ে। কাঠৰ টোলৰ মাজতো অভিনব পদ্ধতিৰে এই ধৰণে গাঞ্জা লুকুৱাই আনি সরবরাহৰ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু ধৰা পৰিল। ৰেল আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিহাৰৰ অজয় ৰয় আৰু আব্দুল মজিদক। আমচফৰ গাড়ীখনত 12503 গাড়ী নম্বৰ আছিলে। সেই ট্ৰেইনখনত গাঞ্জা আনি থকা বুলি, কিন্তু আমি জনা নাছিলোঁ যে তেনেকৈ ধৰণৰ বহুত কৌশলেৰে আনিব। আমি গাড়ীখন যদি চাৰ্চ কৰোঁ, এটা টীম গঠন কৰোঁ, মই চুপেৰিয়ৰ অফিচাৰবিলাকক ইনফৰ্ম কৰোঁ আৰু এটা টীম বনাই মই গাড়ীখন চাৰ্চ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ নিউ বঙাইগাঁও ষ্টেচনত। তেতিয়া আমি প্ৰথমে এজন মানুহ পাওঁ, তেওঁ যিটো পিলৰ ওপৰত শুই আছিলে সেই পিলৰটোৰ ভিতৰত আছিলে এই গাঞ্জাখিনি আছিলে। এটা বক্স পাওঁ, আপোনাৰ এই আমাৰ যিবিলাক শ্বাৰ্ট বক্স, শ্বাৰ্টবিলাকৰ বক্সবিলাক থাকে যে, তেনেকুৱা বক্সত গাঞ্জাখিনি পাওঁ। তাৰপিছত তেওঁক যদি চাৰ্চ কৰোঁ, তেওঁৰ তলত, তেওঁ বহি থকাৰ তলত দুটা ড্ৰাম পাওঁ এট ফাৰ্ষ্ট। এই ড্ৰাম মিনছ আপোনাৰ ৰঙৰ ড্ৰাম হ'ব 20 লিটাৰৰ, তাত দৈ আছিলে, সেই দৈখিনিৰ তলত সেই গাঞ্জাখিনি সোমাই আছিলে। তাৰপিছত টুলছ পাওঁ, 3টা আপোনাৰ টুল পাইছোঁ আমি, তাতে আপোনাৰ তুলটোৰ ভিতৰত গাঞ্জা আছিলে তাৰমানে। সময়খিনিতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে